दोस्तों सिर्फ 15,000 की मशीन से आप कमा सकते हो 1 से 1.5 लाख रुपए। और ये जो बिजनेस का कंसेप्ट है आज फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, क्योंकि ये कंसेप्ट पहले बाहर के देशों में बहुत ज्यादा चल रहा है और अभी भी बहुत फुल फ्लेज में है। कोरोना के बाद तो इसका जो कंसेप्ट है, फिर इस मशीन की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, बट इंडिया में इसकी नॉलेज बिल्कुल नहीं है बहुत लोगों को। तो आज ये फर्स्ट टाइम हम हमारे चैनल पे इसके लॉन्च करने जा रहे हैं। और इस 15,000 की मशीन से आप ढेर सारे बिजनेस कर सकते हो, आपको जो मन चाहे वो आप बिजनेस या फिर वो प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो इसी मशीन से। और जिसमें ये जो मशीन है ये आपको EMI पर भी ये कंपनी आपको देने वाली है। सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बहुत नया बिजनेस है, बहुत नया कंसेप्ट है, तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे इस सारी बिजनेस की जो डिटेल जानकारी है वो मिस ना हो जाए। सो इसी न्यू बिजनेस कंसेप्ट और नई मशीन के बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं स्वप्निल सर और केशव सर से मिलने, जहां पर सर हमें बताएंगे कि क्या है ये न्यू मशीन और नया बिजनेस कंसेप्ट। हेलो सर। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ सर, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेटेड डिटेल। मैं फाउंडर एंड CEO ऑफ फ्रेक्सोटिक इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, और ये हमारे को फाउंडर है मिस्टर केशव एंडा। हेलो। वी आर अ स्टार्टअप, इंडिया रजिस्टर्ड स्टार्टअप। अच्छा। और हमारे कुछ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स भी है, हम स्पेशली इनोवेशंस के लिए काम करते हैं। तो हमने ये नया प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है मार्केट में, इंडिया में हमारी अकेली कंपनी है जो इस तरह का प्रोडक्ट बनाती है। ओके। और इसके पीछे डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। देखिए, जैसे मैं कॉलेज में था तो मुझे एक बिज़नेस चालू करना था। right. मैं वैसे तो बहुत लेज़ी आदमी हूँ, बहुत आलसी हूँ। मुझे ऐसा बिज़नेस चाहिए था जो मैं घर पे बैठ के थोड़ा सी मेहनत करके पैसा कमा सकता हूँ, और घर पे बैठ के पूरा बिज़नेस मैनेज कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने बहुत रिसर्च किया, मैं मार्केट में घूमा, मैंने देखा अलग अलग। तो मुझे वेंडिंग मशीन नाम की जो कंसेप्ट है, ऑटोमेटेड रिटेल जिसे अपन बोलते हैं, हाँ। तो एक कंसेप्ट पता चला। ये वेंडिंग मशीन होते क्या है और इसकी डिमांड क्यों है, वो ज़रा समझाइए। सर देखिए, वेंडिंग मशीन एक तरह का मशीन है जो अपने आप रिटेल काउंटर चलाता है, जैसे मैंने आपको अभी बोला। तो अगर आप ये वेंडिंग मशीन कंसेप्ट बहुत सालों से चलती आ रही है, मतलब इन 1980s में देखा जाए तब भी वेंडिंग मशीन कंसेप्ट थी। हाँ। और ये इंडिया में छोड़ के बाहर के देशों में इसका पेनिट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ पे वेंडिंग मशीन बहुत चलती है। जैसे आप साउथ ईस्ट कंट्री में जाओ या यूरोपियन कंट्रीज में जाओ, हाँ। वहाँ पे वेंडिंग मशीन एक इज़ अ नॉर्मल थिंग, हर शॉप के बाहर, हर रेलवे स्टेशन पे, हर मेट्रो स्टेशन पे, हर जगह पे आपको वेंडिंग मशीन दिखेगी। हाँ हाँ। लेकिन उस वेंडिंग मशीन में और इस वेंडिंग मशीन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो पहले की वेंडिंग मशीन थी जो इंडिया में भी यूज़ करते हैं, उसमें जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कॉइन का प्रॉब्लम आता है, हाँ। कि कॉइन अटक जाता है, नोट्स का प्रॉब्लम होता है, नोट्स एक्सेप्ट नहीं करते। तो अभी इंडिया में जो नया इन्वेंशन हुआ UPI का, हाँ। उसकी वजह से ये हमारा जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। तो इसलिए अभी COVID-19 पैंडेमिक के बाद जो इंडिया ग्रो करेगा बहुत तेज़ी की, इंडिया की इकोनॉमी जो ग्रो करेगी, उसमें वेंडिंग मशीन का बहुत बड़ा हाथ होगा। इस इंडस्ट्री का CAGR मतलब एनुअल ग्रोथ रेट 15 से 20% से भी ज़्यादा है। रीज़न बिंग, अभी UPI आ गया है, आदमी को पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, अभी आइए QR कोड स्कैन कीजिए, आपका पेमेंट कीजिए और आपका प्रोडक्ट लेके चले जाइए, बहुत इजी फंक्शनलिटी हो गई है। ठीक है सर, अभी बताइए जो वेंडिंग मशीन है ये कैसे काम करती है, इसमें प्रोडक्ट कैसे डालने हैं, प्रोडक्ट डिस्पेंस कैसे होते हैं, पेमेंट प्रोसीजर कैसे होता है, सारा कुछ हमें डेमो दिखाइए। ओके, तो मैं भी बताता हूँ ये जो फैक्सोटिक का अपना बजट वेंडिंग मशीन है ये वर्क कैसे करता है। तो अभी ये जो डेमो मशीन हमने बनाया है, इसको हमने 3 प्रोडक्ट के हिसाब से बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हो कपकेक है, उसके बाद में वड़ा पाव है, उसके बाद में जो कुछ है वेज सैंडविच। ओके, तो ये मशीन मैं आपको अभी खोल के दिखाता हूँ। तो ये खोलने के बाद आपको इधर 3 ट्रेस दिखेंगे, मतलब हमने ये मशीन को जो है 3 प्रोडक्ट के हिसाब से डिज़ाइन किया है। ओके, तो इसको जो बोलते हैं हम उसको स्पाइरल लोडिंग बोलते हैं। ये स्पाइरल लोडिंग में हर एक प्रोडक्ट लोड होता है। हाँ। इसका कैपेसिटी जो है, अभी ये मशीन में जो है हर एक चीज़ 15-15 आइटम बैठेंगे। ओके, तो ऊपर का जो है ये ट्रे में, ये जो स्लॉट दिख रहा है आपको, ये स्लॉट में आपको ये प्रोडक्ट को इंसर्ट करना है। अभी ऊपर जो है आपको जो कप केक हमने डिसाइड किया है, जो सेट किया है, उसके हिसाब से हम कप केक इसमें इंसर्ट करेंगे। सेकंड इसमें हम वड़ा पाव इंसर्ट करेंगे, और लास्ट वाला जो है उसको हमने जैसे भी सेट किया है वे सैंडविच हर टाइप के कोई भी प्रोडक्ट हम लोग इसमें डाल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हम सैंपल के लिए 2-2, 3-3 डाल दिए अभी। ओके, अभी इसका हम डेमो देखेंगे ये डिस्पेंस कैसे करता है। ओके ओके, तो ये मशीन को आपको ऐसा क्लोज करना है।
ओके, ये हो गया अभी मशीन क्लोज। अभी ये इसके लिए सिंपल दो तीन स्टेप्स है जो कि आपको फॉलो करना पड़ता है मशीन को यूज करने के लिए। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बटन्स दिए। ओके, जैसे कि हमने मैं लास्ट आपको पहले बोला यहाँ पे तीन ट्रेज है। ओके, तो उसके हिसाब से हमने ये थ्री सिलेक्शंस दिए। ओके, तो अगर आप पहला सिलेक्ट करते हो तो कप केक जो है ऑप्शन वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप डिस्प्ले पे देख सकते हो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो की है 5 रुपीज। ये मशीन में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे पेमेंट के लिए, जो का अपना बेसिक फंक्शंस होता है कॉइन ऑपरेटेड, तो कॉइन का फंक्शन आपको इधर मिल जाएगा। और हम जिस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं मतलब UPI पेमेंट, वो फीचर आपको इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आप कॉइन डाल के भी प्रोडक्ट ले सकते हैं और UPI पेमेंट स्कैन करके भी ले सकते हो। पहले डेमो के लिए मैं आपको कॉइन वाला जो ऑप्शन है वो ऑपरेट करके दिखाता हूँ। जैसे भी अभी हमने पहला कप केक जो है सिलेक्ट कर दिया है, तो हमने इधर डिस्प्ले में दिखा दिया है प्रोडक्ट कॉस्ट 5 रुपीज़। तो ये 5 रुपीज़ का कॉइन जो है मैं वो इंसर्ट करने वाला हूँ मशीन में। आप देख सकते हो जो 5 रुपीज़ का जो प्रोडक्ट था कप केक वो डिस्पेंस हो चुका है। ऐसे ही आपको प्रोडक्ट अलग प्रोडक्ट सिलेक्ट करके पेमेंट करना है जो कि डिसाइडेड पेमेंट है। ओके, इसको खोल के आप देख सकते हो जो भी आपका कॉइन कलेक्शन होगा वो इस कॉइन बॉक्स में होगा, यहाँ से आप पूरा कलेक्ट कर सकते हो। अभी UPI पेमेंट का जो मेथड है वो अभी दिखाते हैं, उससे प्रोडक्ट डिस्पेंस कैसे होता है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे नंबर ऑफ सिलेक्शन होते हैं। तो अगर UPI से हमें करना है तो मैं अगर ये तीसरा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ वेज सैंडविच, तो उसका प्रोडक्ट कॉस्ट है 15 रुपीज़। तो आपको डिस्प्ले पे भी दिख जाएगा प्रोडक्ट का कॉस्ट जो कुछ भी है वो 15 रुपीज़ है। अभी उसमें स्टॉक भी है 22। उसके बाद में आपको सिंपल वहाँ पे लिखा दिखेगा स्कैन QR कोड। अभी मैं आपको ये फोन पे से स्कैन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको देख रहा है फ्रेक्सोटिक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं यहाँ पे आप अभी 15 रुपीज़ का जो है पेमेंट कर रहा हूँ। देखिए पेमेंट हो गया है। इसके बाद में आपको 2-3 सेकंड वेट करना है, उसके बाद में इधर आएगा UPI पेमेंट रिसीव्ड पेमेंट डिटेल ₹15। तो आप देख सकते हो जैसे पेमेंट होता है उसके तुरंत बाद में मशीन अपना डिस्पेंसिंग जो है वो शुरू कर देता है। यहाँ पे जो है वो अभी सैंडविच जो है डिस्पेंस हो चुका है। हम इसमें से रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं, मतलब आपने कितना प्रोडक्ट डाला, कितना बेचा, कितना कंज्यूम हुआ, उसमें से आपने कितने कमाए, वो सब डेटा आप सर्वर पे देख सकते हो, आपको उससे रिपोर्ट मिल जाएगी, इसलिए एंटीना यूज़ किया है। बट अगर हमारे व्यूअर्स को अगर बिजनेस शुरू करना है, एक्चुअली प्रैक्टिकली ये मशीन लगाकर बिजनेस शुरू करना है, वो कैसे कर सकते हैं वो ज़रा समझाइए। देखिए सर, आप अगर ये बिजनेस चालू कर सकते हैं, वेंडिंग बिजनेस आपको चालू करने की इच्छा हो तो आप ये कहीं भी लगा सकते हो। आप अगर एक स्टूडेंट हो तो भी आप ये मशीन खरीद के लगा सकते हो, मशीन EMI पे खरीद के लगा सकते हो। अगर आप एम्प्लॉई हो, आपको पैसिव इनकम की ज़रूरत है, या आपका एग्जिस्टिंग दूसरा बिजनेस है फिर भी आपको पैसिव इनकम की ज़रूरत है, तो आप ये मशीन अच्छे अच्छे जगह पे लगाओगे जहाँ पे ज़्यादा फुटफॉल रहेगा, और वहाँ पे आप ऐसे इस मशीन से पैसे कमा सकते हो। सर कहाँ कहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं वो ज़रा समझाइए। देखिए सर, आप जो भी इस मशीन को लगाने के लिए एक दो सबसे मेन बात है, एक तो प्रोडक्ट और दूसरा प्लेस। तो प्लेस में अगर आप देखा जाए तो इंडिया में जहाँ भी ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ आप लगा सकते हो। जैसे टेम्पल में अगर लगा दोगे आप, तो टेम्पल के लिए दर्शन के लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें होती है, तो लाइन के जो बाजू में जगह रहती है वहाँ पे आप वेंडिंग मशीन लगा सकते हो। वहाँ पे फूड दे सकते हो उनको, वड़ा पाव देने खाने के लिए दे सकते हो, पानी की बोतल दे सकते हो, कोल्ड ड्रिंक दे सकते हो। अगर आप मॉल में जाओ, मॉल में भी बहुत लोग आते हैं, तो मॉल में भी आप अलग अलग फूड के आइटम्स दे सकते हो, नहीं तो फेस मास्क दे सकते हो। अभी COVID-19 की वजह से फेस मास्क बहुत जरूरी है, हैंड ग्लोव्स दे सकते हो, नहीं तो आप सैनिटाइजर के पाउचेस भी इसमें से डिस्पेंस कर सकते हो। अगर आप सिनेमा थिएटर में गए वहाँ पे वह बर्गर दे सकते हो, खाने की चीज दे सकते हो, नहीं तो कुछ। और अगर आप टूरिस्ट प्लेसेस पे जाओ तो आप वहाँ पे गॉगल दे सकते हो, सनग्लासेस दे सकते हो, अच्छा, नहीं तो कैप्स हैट्स जो होती है वो दे सकते हो, और कोई भी खाने की चीजें जैसे चिप्स के पैकेट हो गए या कोल्ड ड्रिंक की बोतल होगी वो दे सकते हो। और रेलवे स्टेशन की जगह पे, जैसे देखिए हर एक इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोडक्ट है जो बहुत पेनिट्रेटेड है। तो देखिए अगर आप महाराष्ट्र में साइड में जाओ तो वड़ा पाव ये ऐसी चीज़ है जो हर कोई खाता है और हर रोज खाता है। तो महाराष्ट्र में आप अगर वड़ा पाव वेंडिंग मशीन लगाते हो तो आपका सेल बहुत अच्छे से होगा।
अगर आप रेलवे स्टेशन पे, अगर मुंबई जाओगे रेलवे स्टेशन पे वेंडिंग मशीन लगा दोगे, यार कोई भी सिटी में वेंडिंग मशीन रेलवे स्टेशन में लगा दोगे तो आपका सेल बहुत अच्छे से रहेगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे फुटफॉल बहुत ही ज़्यादा होता है। वो फुटफॉल 4 लाख से लेकर 80 लाख, 1 करोड़ तक भी जाता है डेली का फुटफॉल। तो वहाँ पे आप ये मशीन लगा सकते हो, बस स्टेशन पे लगा सकते हो, अम्यूजमेंट पार्क्स में लगा सकते हो। हम इसमें पार्ट्स में भी बहुत काम किया था। जैसे आप इसको अगर स्कूल या कॉलेजेस में लगाएं तो आप इसमें स्टेशनरी आइटम जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गया, वो भी लगा सकते हो। अगर और बाकी अपने बुक्स भी उसमें रख सकते हो, नहीं तो बाकी खाने की चीज़ें, अगर हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल में 24/7 स्टूडेंट्स को कुछ खाने के लिए पीने के लिए चाहिए होता है, तो आप इसमें वो भी चीज़ें रख सकते हो। ये एक तरह की छोटी दुकान है और मार्केट इतना बड़ा है कि आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो फ्रेजाइल नहीं है, मतलब जो गिरने से टूटता नहीं है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट लाइए, हम आपको उसका वेंडिंग मशीन बना के देंगे। और कम से कम बजट में, सस्ते से सस्ते में आपको उसका वेंडिंग मशीन बना के देंगे, और वो भी कस्टमाइज रहेगा। अगर आपको लगता है कि यार मैंने 6 महीने प्रोडक्ट बेचा, बाद में ये प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया है, आप हमें बताइए, हम आपको प्रोडक्ट का डायमेंशन, जो भी नया प्रोडक्ट आप हमें देंगे उसके डायमेंशन के हिसाब के मशीन हम आपको बना के देंगे और इसको सेट करके देंगे। मतलब आपको प्रोडक्ट चेंज भी करना है तो आप चेंज कर सकते हो। बताया कि 15,000 का ये मॉडल है, तो इसमें हमें क्या क्या मिलेगा? और जैसे आप बता रहे हो कि हम लोग फूड आइटम्स इसमें रखते हैं, अब फूड आइटम्स हो गया तो फॉर एग्जांपल वड़ा पाव है या फिर कोई बॉटल्स है, तो उसमें रेफ्रिजरेशन भी लगता है बॉटल्स के लिए, और वड़ा पाव ये फूड जो जिसमें हमें ओवन लगता है, तो गर्माहट चाहिए वो प्रोडक्ट फ्रेश रहने के लिए, तो इसमें कैसा सिस्टम है वो ज़रा समझाइए। देखिए सर, ये जो बेसिक मशीन है वो हम 15,000 में दे रहे हैं, इसमें ना रेफ्रिजरेशन है और ना ही माइक्रोवेव ओवन है, लेकिन अगर आपको कोई भी कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट चाहिए, आपका प्रोडक्ट ठंडा है, हाँ। तो हम आपको सेम मशीन में रेफ्रिजरेशन भी लगा के देंगे, उसकी कॉस्टिंग थोड़ी डिफरेंट आएगी लेकिन आपका काम हो जाएगा। हाँ। और अगर आपको जैसे कोई गरम आइटम है, हाँ। वड़ा पाव हो गया, नहीं तो कोई भी चीज उसको गरम रख सकते हो आप, तो हम उसके लिए छोटा सा माइक्रोवेव ओवन आपको बना के देंगे मशीन के अंदर ही, जो मशीन प्रोडक्ट डिस्पेंस करेगा माइक्रोवेव ओवन में जाएगा, उसमें 15 सेकेंड वो घूमेगा, पूरा प्रोडक्ट गर्म होगा और बाद में वो मशीन से बाहर निकलेगा, तो ये कंसेप्ट भी हमारे पास अवेलेबल है। और जैसे आपने सिक्योरिटी का बताया कि हम लोग कैमरास भी लगाते हैं कि yes. और सिक्योर होने के लिए, यस सर, तो ये क्या कैसे होगा वो जरा समझे सर। देखिए उसका भी अलग चार्ज है? नहीं सर, देखिए अभी इंडिया में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो सिक्योरिटी के हमने 3-4 अलग अलग सॉल्यूशंस निकाले हैं। जैसे हम एक तो मशीन के अंदर ही कैमरा लगाते हैं, जैसे एटीएम मशीन में कैमरा होता है वैसे मशीन के अंदर ही कैमरा लगाते हैं, और अभी आप इंटरनेट के थ्रू अपने मोबाइल पे पूरा वो कैमरे पे पूरा व्यू देख सकते हो कि कौन आदमी आ रहा है, क्या कर रहा है, या मशीन का ऊपर है। और फिर मशीन के बाहर भी आप जहाँ भी लगाओगे वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हो। ये कैमरे की कॉस्टिंग आजकल बहुत ज़्यादा नहीं है, आजकल कैमरे वो बहुत सस्ते हो गए, तो वो 1500 या 1200 में आपको ऑनलाइन कहीं पर भी मिल जाएगी। वो कैमरा हम मशीन के अंदर का हम आपको लगा के देते हैं, आपको बाहर लगाना है तो भी लगा सकते हो। तो सर अभी ये जो मशीन है, ये बेसिक मॉडल है, अगर मैं मेरे शहर में लॉन्च करता हूँ या फिर कहीं छोटी सी जगह पे ये लगा देता हूँ, तो मेरी अर्निंग कितनी हो सकती है वो जरा समझाइए। देखिए सर, हमने एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा ROI कैलकुलेटर की एक कंसेप्ट बनाई है, टोटली न्यू कंसेप्ट है मार्केट में। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए www.frexotic.com, वहाँ पे ROI कैलकुलेटर पे आप क्लिक करोगे और आपका प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट के डायमेंशन और थोड़ी बहुत डेटा फिल करोगे तो उधर नीचे कैलकुलेट दबाओगे तो आपको आपके मेल पे, मैसेज पे और उधर भी फ्लैश होगा कि आपकी मशीन कितने महीने में आप मशीन का पूरा पैसा वसूल कर सकते हो। हम मशीन को पूरा इंश्योरेंस करके देते हैं आपको, इसका 100% इंश्योरेंस होता है, मतलब थेफ्ट हो गया, फायर हो गया, मशीन को अगर तोड़फोड़ करता है कोई, उठा के लेके गया है मशीन का अंदर का सामान, अगर कोई चोरी करता है तो वो भी आपको इंश्योरेंस क्लेम में मिलेगा। वो इंश्योरेंस हमारा कंपनी से टाई अप है, हम अगर आप हमसे मशीन खरीदते हो तो हम आपको उसके साथ इंश्योरेंस करवा के देते हैं। ये बेसिक मॉडल 15,000 का है और आप इसे EMI पर भी ले सकते हो, और अब आपको ज़्यादा फंक्शनलिटीज चाहिए, अलग अलग फंक्शनलिटीज चाहिए, तो उसके हिसाब से चार्ज बढ़ते जाएगा। आप जितने ज़्यादा फीचर ऐड करोगे उतना चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि हमको भी उतना मैन्युफैक्चर करने के लिए चार्ज लगता है, बट उसमें आपको ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन सपोज आप इस मशीन में कैपेसिटी बढ़ाते हो, नहीं तो इस मशीन में आप नोड एक्सेप्टर ऐड करते हो, नहीं तो इसमें रेफ्रिजरेटर ऐड करते हो, तो ज़्यादा कुछ नहीं, 10,000-20,000 डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, वो चार्ज बढ़ेगा कम होगा, लेकिन आपको मैक्स टू मैक्स 1 लाख से ऊपर हम मशीन नहीं देंगे। तो अगर आपको बजट वेंडिंग मशीन के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए तो सर की कंपनी का नंबर मैंने स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सर का नंबर, एड्रेस और वेबसाइट भी है, तो आप विजिट करके इस बिजनेस और इस वेंडिंग मशीन के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।